नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सुबह नदी नहाने गए युवक की बाढ़ के पानी से बह जाने से अब तक युवक का पता नहीं चल पाया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से लापता युवक की तलाश नदी के अंदर से कर रही है। घटना झारखंड रांची जिला पांच परगना के सोनाहातू क्षेत्र की है। घटना के संदर्भ में बताया गया है कि सावन की दूसरी सोमवारी पर युवक की टीम जलाभिषेक करने के लिए सोनाहातू क्षेत्र के सती घाट मंदिर गए थे। मंदिर के समीप स्वर्ण रेखा नदी सती घाट में नहाने के बाद जलाभिषेक करने की तैयारी थी। इस बीच नहाने के क्रम में युवक बाढ़ के पानी में डुबकी लगा रहे थे। इस दौरान अचानक लापता हो गया। दोस्तों ने आनंद फानंद में उनकी तलाश भी की लेकिन आसपास कहीं पता नहीं चला। युवक की मौत के बाद अब आशंका जताई जा रही है कि नदी के अंदर बड़े पत्थर में शव अटक गया होगा या फिर शव बहते पानी में बह गया होगा। हालांकि इधर स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से नदी के अंदर आसपास खोज तलाशी की जा रही है लेकिन अब तक तो नहीं मिल पाया है। बहते पानी में लापता युवक का नाम उदय महतो है, सोनाहातू के बारिंदा पांडुडीह का निवासी है। परिजनों को इसकी सूचना मिलने के बाद घर और गांव में मातम परसा हुआ है। सुबह करीब 7 बजे घर से निकलने के बाद ये घटनाएं घटी है। हालांकि इधर एनडीआरएफ की टीम पहुंचने की सूचना है लेकिन अब तक एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल नहीं पहुंची है लेकिन अब तक लापता युवक का शव नहीं निकाला जा सका है। पांच परगना क्षेत्र से ही दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाड़ के रड़गांव में हुई वकील हत्याकांड को लेकर